Press the bell icon on the YouTube app and get regular updates from AE. Hey folks, welcome to AE Rishabh here, and yes, I am in a Tata showroom for the all new Tiago XZ Plus. So hum shuruaat karenge se exterior se aur jo changes aaye hain purani Tiago aur nayi Tiago mein. And if you like watching this video ant mein, agar aapko ye video pasand aaye to please subscribe karo aur help karo grow. So let's get on with the Tata Tiago XZ Plus. So haan, hamare samne maujood hai Tiago ki XZ Plus jo ki इसका लेटेस्ट वेरिएंट है. एंड आज हम इसके चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि जो पुराना टियागो का मॉडल आता था दैट इज़ राइट देयर, उसके अंदर और इस वेरिएंट में क्या डिफरेंस है. सो सबसे पहले अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो साइड में ऑफकोर्स आपको दो नई चीज़ें दिखेंगी, दैट इज़ ऑफकोर्स द रिम्स. सो इसके अंदर जो सेम टिगोर में रिम्स आते थे वो आते हैं अभी 15 इंच वाले व्हील्स हैं. आप जैसे कि देख सकते हैं साइड में टिगोर खड़ी है, टिगोर के भी सेम इंच, यू नो 15 इंच के व्हील्स है. पहले 14 इंच के आते थे बट इसके अंदर चेंज करके अभी 15 इंच के व्हील्स करते हैं. और प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स जिसको बोलते हैं ना फाइव स्पोक, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं. एटलीस्ट थोड़ा रिफ्रेशिंग है पुराने वाले में, आपको मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके के नॉर्मल व्हील्स आते थे. सो ये है फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो हेडलाइट्स आर स्मोक्ड प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स. आई विल शो यू इफ आई कैन. So yeah, as you can see, these are projector headlamps. ठीक है, पहले स्मोक, मतलब स्मोक इन द सेंस कि जो आजू बाजू का जो कवरिंग है दैट इज़ इन ब्लैक. इफ यू सी इट इन द टिगोर दैट इज़ इन सिल्वर. सो ये एक डिफरेंस है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आके बेसिकली. बाकी तो फ्रंट सेम ही है, सेम ग्रिल मिलता है, विजुअली लुक्स एंटायरली द सेम. एंड थर्ड थिंग इज डेफिनेटली द रूफ. रूफ इसमें ब्लैक आती है जो आपको बेसिक पहले टियागो के अंदर बॉडी कलर आता था. अगेन कंपेयरिंग टू दैट वन इट हैज़ वाइट रूफ, दिस वन हैज़ अ ब्लैक रूफ. नाउ कमिंग टू द रेयर, एवरीथिंग एल्स इज सेम बट वेरी स्मॉल लिटिल चेंज. जो इसका क्रोम का स्लैट आता है ये एड ऑन हो चुका है. ऑफ कोर्स इट सेज जेड एक्स प्लस. इसके पहले सिर्फ जेड एक्स तक आता था, जेड एक्स ए आता था, बट डेफिनेटली दिस इज जेड एक्स प्लस. नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार टू हाँ लुक, जो जितने भी दूसरे चेंजेस हैं उनके. तो अगर अंदर की बात करी जाए सो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि एक नया इसको म्यूजिक सिस्टम मिल चुका है. 7 इंच का सिस्टम है, मैं आपको ऑन करके बताऊं तो अभी भी स्टार्ट स्टॉप तो नहीं है इसके पास. हाँ जी, सो दिस इज द म्यूजिक सिस्टम दैट टियागो ऑल्सो यूज टू ऑफर. सो इट इज़ द सेम काइंड ऑफ अ थिंग. एंड 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. टच रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब पहले भी यूज़ किया था, अभी मैं फर्स्ट टाइम में नहीं बोल रहा. टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है. और इसके अंदर एक और चीज़ जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके आपको सेटिंग्स इसके अंदर दिख रहे हैं. सो आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट बिकॉज सेकंड थिंग इज डेफिनेटली द क्लाइमेट कंट्रोल. क्लाइमेट कंट्रोल की बात करी जाए तो इट इज़ दिस टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो गया. ऑन कराए तो इट चेज ऑन. एंड इफ आई चेंज द यू नो एयर स्पीड दिस विल बी शोड हियर. सो मतलब काफ़ी अच्छा है. बीच में इधर डिस्प्ले नहीं है, उसकी जगह पर आपको आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ही मिल जाता है. सो दैट इज़ द फोर्थ चेंज एंड ऑल्सो द फिफ्थ चेंज. सो दीज वर अ कपल ऑफ चेंजेस ऑफ द ऑल न्यू टियागो XZ प्लस. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. बहुत छोटी सी थी बिकॉज सिर्फ यही बेसिक चेंजेस है इसके अंदर. बाकी अगर टियागो के बारे में बात करो सो यूजुअल काफ़ी अच्छी चीज़, मतलब काफ़ी अच्छी कार है. मेरे को अभी तक जेनुअनली काफ़ी पसंद है. स्टोरेज स्पेस वगैरह का भी, स्पेस इसके सब अच्छे आते थे काफ़ी. ओवरऑल कॉम्पैक्ट हैचबैक्स में ये काफ़ी अच्छी डील थी. कप होल्डर्स है, फिर यू नो इंजन सेम अपना 1.2 लीटर 1.05 लीटर. जो इंजन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये 5 मेन चीज़ें हैं, 5 या 6. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग दिस वीडियो. एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था, प्लीज़ हेल्प करो मेरे को 40,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवाने में और एटलीस्ट टच करवाने में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज रिशभ साइनिंग ऑफ एंड एज ऑलवेज प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.